हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। हम बिहार में आ चुके हैं गाइस घूमने के लिए। ये हमारी बाइक और ये है हम। तो चलिए दिखाते हैं बिहार का कुछ अच्छा अच्छा सीन आपको। ब्लॉग में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और बिहार का सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगता है देखने में, कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। बिहार की सबसे अच्छी चीज़ हमें सड़क देखने को यहाँ पर मिलती है गाइस। बिहार इज़ बेटर देन यूपी रोड के मायने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक्टर भी बहुत हाई स्पीड में चलते हैं। गाइस यहाँ का रोड इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे बाइक पे तेज ट्रैक्टर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आगे फिर दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइस आप देख सकते हो यहाँ का रोड कितना अच्छा है। बाइक चला रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और ये देखो क्या रखा है, पुआल रखा है। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं दुर्गावती। आप देख सकते हो यहाँ का हाईवे, टेम्पू स्टैंड है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। ये है दुर्गावती का हाईवे रोड। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं दुर्गावती से आगे निकलेंगे तो हमें पता नहीं है क्या आएगा, कौन सा रोड आएगा। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे देखते हैं। अब देख सकते हो इसके ऊपर से ट्रेन की पटरी गई है गाइस। तरह का सीन है, घूमने का मजा भी अलग होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेला लगा है पशुओं का गाइस। यहाँ पे बेचना या खरीदना होता है तो लोग पशु लेने के लिए या बेचने के लिए लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए इन लोगों को बोरा उड़ाया गया है। गाइस कर्मनाशा नदी को क्रॉस करते ही यह जगह आपको मिल जाएगी। अगर पशु बेचना या खरीदना रहेगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम ककरेत नदी पे आ चुके हैं जिसका नाम कर्मनाशा नदी है। यहीं पे बॉर्डर यूपी और बिहार का बॉर्डर है गाइस। नदी के उस पार यूपी आ जाता है और नदी के इस पार बिहार आ जाता है। फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर और मनीष और प्रदीप भी आ गए हैं हमारे साथ। तो इस ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।